हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति बाला राठौर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग फ्रॉम NSTI इंदौर। आज हम लोग अपेरल मैन्युफैक्चरिंग के आई से स्टार्ट होने वाले टर्म के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंटरलाइनिंग। इंटरलाइनिंग एक प्रकार की एक्सेसरी होती है जिसका प्रयोग कपड़े की दो लेयर्स के बीच में गारमेंट को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है, उसे मजबूती देने के लिए और पर्टिकुलर एरिया पर गारमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसको एक्यूरेट एग्जैक्ट शेप देने के लिए इंटरलाइनिंग का यूज किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक फ्यूजिबल होती है और एक नॉन फ्यूजिबल होती है। फ्यूजिबल जो होती है उसे उनमें एडहेसिव लगे होते हैं जिससे कि हम उन्हें प्रेस करके और कपड़े पर चिपका सकते हैं। वहीं नॉन फ्यूजिबल जो होती है उसे चिपका नहीं जाता है, उसे डायरेक्ट कपड़े पर स्टिच किया जाता है। ये इंटरलाइनिंग होती है जो कंप्लीट अंदर आपने जैसे ये इंटरफेस इंटरलाइनिंग लगाने के बाद में एक लाइनिंग लगाई जाती है जिससे सारी की सारी जो सिलाइयां होती है अंदर की तरफ वो छुप जाती है। ज्यादातर इनका प्रयोग जो है कोट में, जैकेट्स में किया जाता है। अब है इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग और इंटरलाइनिंग में ज्यादा अंतर नहीं है। इंटरफेसिंग में आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कई बार हम जब कैनवास का यूज करते हैं लेकिन उसके साथ में एक और हमें फैब्रिक अंदर की तरफ देना होता है जिसे उसे पलटकर फिनिश किया जाता है। जिस तरह से पैंट के बेल्ट में आप देखते हैं, ट्राउजर्स के जो बेल्ट होते हैं उनमें आप देखते हैं कि अंदर कैनवास के साथ साथ एक फैब्रिक भी लगा होता है और उसे फिनिश किया जाता है। इसी तरह फ्लाई में भी आप देखते हैं, तो इस प्रकार से जब यूज किया जाता है, जो फैब्रिक फेसिंग के साथ में यूज किया जाता है उसे इंटरफेसिंग कहा जाता है। अब इंटरलाइनिंग और इंटरफेसिंग में डिफरेंस। इंटरफेसिंग जो है एक सपोर्ट, फैब्रिक को सपोर्ट देने के लिए होता है, जो कि गारमेंट को फैब्रिक को वेट प्रदान करता है। कई बार कुछ फैब्रिक जो होते हैं वो स्टेबल नहीं हो पाते, हम प्रॉपर शेप में उन्हें जमा नहीं पाते, तो हम उनमें इंटरफेसिंग का यूज करते हैं। ये एक प्रकार का सपोर्ट होता है फैब्रिक का, जो कि फैब्रिक को स्टेबल बनाने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए कॉलर्स में, कफ्स में, वेस्ट पिन में इनका यूज किया जाता है। जनरली हम जब इन्हें देखते हैं ये सिंगल सिंगल गारमेंट्स में इनका यूज किया जाता है। इंटरलाइनिंग जो होता है फैब्रिक ऐड किया जाता है गारमेंट में जब बहुत उसमें उसे गर्म बनाना होता है। जैसे विंटर के कोट जो होते हैं उनमें आप देखते हैं अंदर की साइड में फर या फलानिन का जो है फैब्रिक लगा होता है और उसके उसे उसे अंदर से फिनिश किया जाता है। उसके अंदर की सिलाइयां हमें बिल्कुल नजर नहीं आती, अंदर की तरफ ही ले रही, इसे कहते हैं इंटरलाइनिंग। ये हैवी फैब्रिक भी हो सकता है और लाइट वेट का भी हो सकता है, फलानिन या फिर कोई भी फर वाला फैब्रिक जो हम गर्माहट के लिए किसी जैकेट के अंदर यूज करते हैं। इंटरलाइनिंग जो होता है एक प्रकार से ऐड किया जाता है गारमेंट में जब कपड़ा बहुत ज्यादा पतला होता है और उसमें उसे वेट देने के लिए, गारमेंट को प्रॉपर शेप देने के लिए और उसको सेपरेट करने के लिए उसमें अलग अलग तरह के लाइनिंग का यूज किया जाता है। जिस तरह से हम सूट बनाते हैं कई बार जब बहुत जॉर्जेट के हैं, शिफॉन के हैं या नेट के होते हैं तो हम उनमें अंदर की तरफ अस्तर का प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है इंटरलाइनिंग। तो ये जो होता है ये इंटरलाइनिंग होता है। इसको लगाने के बाद में जो है आपको अंदर की जो लेयर में सिलाइयां लगी होती है वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो इंटरफेसिंग और इंटरलाइनिंग में डिफरेंस ये होता है। इंटरफेसिंग जो होती है दो लेयर्स के बीच में कर्व से, कॉलर से इनमें हम यूज करते हैं, यानी कि कैनवास या फ्यूजिंग किसी भी तरह की, और इंटरलाइनिंग यानी अस्तर का जो फैब्रिक होता है, लाइन अंदर की तरफ जो लगाया जाता है वो आपका इंटरलाइनिंग कहलाएगा। अब है इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग मतलब होता है आपस में गुथना या बांधना। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम लॉक स्टिच मशीन यानी कि जो हम मशीन सिलाई के लिए यूज करते हैं उसमें दो धागे चलते हैं, एक धागा जो ऊपर की तरफ होता है रील में लगा हुआ और दूसरा धागा जो होता है शटल में बॉबिन के साथ लगा होता है। तो बॉबिन केस में जो बॉबिन लगाकर धागा नीचे की तरफ होता है, ऊपर से जब हम नीडल को नीचे की तरफ जाती है तो शटल घूमती है और इस तरह से वो धागे का एक लूप बनाकर ऊपर लेके आती है और ये जो होते हैं आपस में इस तरह से इंटरलेस होते जाते हैं। ये इंटरलेसिंग की जो प्रोसेस होती है इस तरह से सिलाई जब होती है तो वो बहुत मजबूत होती है। इसमें आसानी से आप टाके को खोल नहीं सकते हो, स्टिच को अगर खोलना होता है तो आप एक बार में एक ही स्टिच खोल पाते हैं। इंटरलेसिंग के लिए हमेशा दो धागों की जरूरत होती है, एक अपर थ्रेड और एक लोअर थ्रेड, और इनके बीच में इंटरलेसिंग होती है। इसकी एक विशेषता है कि जो भी मशीन लॉक स्टिच मशीन होती है उनमें बॉबिन का यूज किया जाता है, वहीं इंटरलूपिंग जो होती है यानी ओवरलॉक मशीन उनमें बॉबिन का यूज नहीं किया जाता है। तो आपकी लॉक स्टिच मशीन
यानी कि या फिर जो आप घर में घरेलू सिलाई मशीन यूज करते हैं सामान्य सिलाई के लिए, वो सभी इंटरलेसिंग का काम करती हैं। अब है इंटरलूपिंग, जब थ्रेड का लूप होता है जो वो एक लूप से पासेस थ्रू द लूप ऑफ अनदर थ्रेड इज कॉल्ड, एक लूप से दूसरे लूप में पास होता है तो इसे इंटरलूपिंग कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हो ओवरलॉक मशीन में जब हम सिलाई लगाते हैं उसमें बॉबिन का प्रयोग नहीं होता है, हमसे जब एज स्टिचिंग करते हैं तो उसमें लूपर की सहायता से इस तरह से लूप्स बनते हैं और स्टिच बनती चली जाती है। इसी तरह से निटिंग में भी लूपिंग की प्रोसेस होती है, इसमें एक ही थ्रेड काम करता है जो ऊपर की तरफ लगा होता है। ओवरलॉक मशीन में जो इतने सारे थ्रेड होते हैं लेकिन उनमें लूपिंग की प्रोसेस होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो भी इंटरलूपिंग का काम करती है या लूप स्टिच मशीन होती है उनमें बॉबिन का यूज नहीं किया जाता है। अब है इनले, इनले एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है जो कि सीम के रिमूव होने के बाद में अंदर की तरफ पैटर्न में रखा जाता है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से पैंट में बैक साइड में वेस्ट पर ये जो क्रॉच पर सीम होती है सेंटर में, वहां पर आप देख रहे हैं इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा इनले के लिए, यानी कि कभी भी व्यक्ति अगर मोटा हो जाता है उसकी हेल्थ बढ़ती है वेस्ट बढ़ने पर इसे खोल करके इसको बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से जो फैब्रिक बढ़ाया जाता है पैटर्न को पहले पूरा मेजरमेंट के अनुसार फिक्स मेजरमेंट से बना लिया जाता है, उसके बाद उसमें इनले को ऐड किया जाता है और इस तरह से इसके किनारों को जैसे कि हमने देखी थी हांगकांग सीम की सहायता से इसके किनारों को फिनिश कर दिया गया है जिससे इसके धागे ना निकले और फिर से बेल्ट के साथ में फिनिश किया गया। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इस सिलाई को खोलकर वेस्ट को बढ़ा सकते हैं। इनले हमेशा कपड़े में चौड़ाई में किसी भी पैटर्न में चौड़ाई में रखा जाता है, इनले हमेशा विड्थ वाइज होता है। इनसेट, इनसेट मतलब होता है कपड़ा सेट अंदर की तरफ से सेट करना, यानी कि आप जैसे यहाँ पर डिजाइन में देख रहे हैं इसमें लेस भी हो सकती है फैब्रिक भी हो सकता है अलग तरह का कहीं भी, जब दो सीम्स के बीच में डेकोरेटिव पर्पस से या कई बार डिजाइन के अनुसार जब हम दूसरी लेस को या फैब्रिक को सेट करते हैं और उसे स्टिच करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी इनसेट। इससे आप कपड़े की सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं और कई बार इसे सुधारने के उद्देश्य से या कभी कभी गलती त्रुटिपूर्ण तरीके से हमसे कटिंग हो जाती है और हमें उसे रिपेयर करना है तब भी हम इस तरह से इंसेट करके और उसमें डिजाइनर लुक दे सकते हैं। इनसेम पॉकेट, इनसेम पॉकेट यानी सिलाई के अंदर ही पॉकेट होना। अब सिलाई के अंदर पॉकेट कैसे होगा, जो गारमेंट जिनमें साइड सीम होती है और साइड सीम के साथ में ही पर्टिकुलर जो एरिया होता है यानी कि अगर लोअर गारमेंट है तो हिप बाय सिक्स और अपर गारमेंट है तो चेस्ट बाय सिक्स के बराबर ओपनिंग छोड़कर बाकी का जो एरिया होता है उसे स्टिच कर दिया जाता है। तो ये जो ओपन एरिया होता है ये आपका पॉकेट की ओपनिंग होती है जिसमें से आप पॉकेट में अंदर की तरफ पाउच को स्टिच करके और पॉकेट रेडी करते हैं। ये पॉकेट अलग से दिखाई नहीं देता है क्योंकि सिलाई के साथ ही बीच में गैप करके इसे बनाया जाता है, इसलिए इसको इनसीम पॉकेट कहते हैं। नेक्स्ट है आयरनिंग बोर्ड, आयरनिंग बोर्ड मतलब होता है प्रेस करने वाला बोर्ड। ये जो बोर्ड होता है ऑलरेडी पैडेड होता है, इस पर इस तरह से पैडिंग की होती है और इसमें प्रेस रखने की भी व्यवस्था रहती है, साथ में आप इसमें कपड़े रखने के लिए भी स्टैंड लगा होता है। आयरन करने के बाद में आप कपड़ों को इस पर रख सकते हैं और ये फोल्ड हो जाता है जिससे ये एडजस्टेबल होता है, इसको फोल्ड करके आप प्रयोग के बाद में हटा सकते हैं। ये जो आयरनिंग बोर्ड होते हैं इनका प्रयोग कपड़ों को अच्छी तरह से प्रेस करने के लिए, उनमें फिनिशिंग लाने के लिए, रिंकल्स फ्री करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड प्लीट, इन्वर्टेड प्लीट मतलब ऐसी प्लीट, जब हम प्लीट्स बनाते हैं तो बॉक्स प्लीट और इन्वर्टेड प्लीट में हम डिफरेंस कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ मैंने दोनों आपको एग्जाम्पल के लिए लिए हुए, बॉक्स प्लीट भी और इन्वर्टेड प्लीट भी ली है। पिंक फैब्रिक जो है वो बॉक्स प्लीट है और ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड प्लीट में इस तरह के इन्वर्ट शो होते हैं वो बाहर की तरफ ज्यादा शो होते हैं और इसके अपोजिट साइड में इस तरह के बॉक्स बने होते हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी इन्वर्टेड प्लीट। इन्वर्टेड प्लीट को ज्यादातर स्कूल यूनिफॉर्म्स में यूज किया जाता है, एग्जाम में ज्यादा करके क्वेश्चन आता है। और इन्वर्टेड प्लीट जो होती है इस तरह से ये पर्टिकुलर ऊपर वेस्ट पर सिली होती है और उसके बाद में नीचे से खुला छोड़ दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इन्वर्टेड प्लीट जो होती है, बॉक्स प्लीट और इन्वर्टेड प्लीट में सिर्फ राइट साइड और रॉन्ग साइड का डिफरेंस होता है। आप देखेंगे रॉन्ग साइड से यही आपको बॉक्स प्लीट दिखाई देगी और राइट इस साइड से ही आपको इन्वर्टेड प्लीट दिखाई दे रही है। इनविजिबल जिपर, इनविजिबल जिपर
यानी कि अदृश्य रूप से जो जिपर लगाया जाता है, जो एकदम से दिखाई नहीं देता है गारमेंट में, स्टिच के बीच में ही यानी कि जॉइंट के बीच में ही इसको सिल दिया जाता है। ये जिपर जो होते हैं ये सामान्य जिपर से थोड़े अलग होते हैं। ये जिपर सीधी ओर से इस तरह से दिखाई देते हैं, उल्टी साइड से ऐसे दिखाई देते हैं। इन्हें ज्यादातर करके बच्चों की फ्रॉक्स में, इवनिंग वियर्स में, लेडीज की ब्लाउजेज में, इवनिंग गाउन्स में, साइड में और बैक साइड में दोनों तरफ इसको सिलाई के जो जॉइंट होता है सिलाई का, उसके साथ में इस जिपर को फिनिश किया जाता है। और इसमें सामान्य जिपर की तरह ऊपर की तरफ टॉप सिम नहीं लगाई जाती, इसे इसी तरह से अटैच किया जाता है। ये कहलाते हैं आपके इनविजिबल जिपर। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी होती है तीव्रता, किसी कलर की इंटेंसिटी कितनी है, कोई सा कोई भी कलर कितना फास्ट है, ये आपको पता चलता है इस तरह से देखने पर कि कोई कलर आपने जो ह्यू होता है कलर का, उस ह्यू को लेकर उस कलर को आप कितना डार्क कर सकते हो, कितना लाइट कर सकते हो। यहाँ आप देख रहे हैं ये हाई इंटेंसिटी है, ये लो इंटेंसिटी है, इधर आकर फिर से ये हाई इंटेंसिटी है। मतलब कोई भी कलर अगर हम जब लेते हैं तो उसमें उसकी तीव्रता, उसकी फास्टनेस जो होती है वो आप ब्लैक या व्हाइट को ऐड करके कर सकते हैं। जब ज्यादा ज्यादा व्हाइट ऐड करते हैं तो भी कलर एकदम ब्राइट हो जाता है, और जब आप ब्लैक यूज करते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ बीच में जो आ रही है लो इंटेंसिटी हो रही है यहाँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी हाई इंटेंसिटी है। कलर की जो तीव्रता होती है उसे क्या कहते हैं, कलर की इंटेंसिटी, फास्टनेस ऑफ कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर। थैंक यू। आज हम लोग यहीं आई से स्टार्ट होने वाले जो हमारे टर्म थे वो हम फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे के टर्म लेकर। थैंक यू।